बोला जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज बहुत अच्छी अपडेट है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जेबीटी और टीजीटी के पदों के लिए न्यू नोटिफिकेशन 2024। फिलहाल जो भर्तियां हैं वो चल रही हैं, जेबीटी है, एनटीटी है या फिर पीजीटी है, और टीजीटी की अभी 28 जून को एग्जाम खत्म हुए हैं, ठीक है। तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है 2 तारीख से 2 जुलाई से। फिलहाल लगातार कंटिन्यू है, 2-3 को जेबीटी का है, उसके बाद 4 को एनटीटी का है, 5 से पीजीटी का है। तो आज की जो अपडेट है वो ये है कि 2024 में जेबीटी और टीजीटी के पदों पर भी एक भर्ती आई हुई है। पहले क्या होता था कि चंडीगढ़ में जितने प्रकार की जो टीचिंग भर्तियां होती थी वो एसएससी द्वारा होती थी, सर्व शिक्षा अभियान कह सकते हो, समग्र शिक्षा अभियान कह सकते हो, उसके तहत होती थी। और अब जो ये भर्ती आई हुई है, न्यू नोटिफिकेशन है, जो कल का नोटिस है, कि एसएससी में 188 पदों पर जुलाई में न्यू नोटिफिकेशन आएगा। देखो अब नोटिफिकेशन आएगा, अब 188 पद हैं, इनमें 121 पद तो है जेबीटी के, ठीक है, और बाकी जो 67 पद हैं ये टीजीटी के। अच्छा, अब हम बात करते हैं पद के बारे में, बात हो गई। अब सबसे पहले जो एसएससी है, देखो एसएससी जो भी ये नियुक्तियां करता है ये एसएससी द्वारा होती है, उसी विभाग से होती है। जो एसएससी की वेबसाइट है उस पर हमें विजिट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जाम, देखो इसका जो एग्जाम है, एग्जाम जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, सेम जो अब फिलहाल हुआ था जेबीटी का और टीजीटी का जो हो रहा है। जैसे टीजीटी 150 नंबर का, 50 नंबर का कॉमन और 100 नंबर का सब्जेक्टिव, जैसे अभी फिलहाल 28 जून तक हुए हैं, सेकंड पेपर हुए हैं टीजीटी के, और वही सेम जेबीटी का है। तो एग्जाम पैटर्न सेम है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेम जो फिलहाल जो यहाँ जब भी एग्जाम हुए थे, जो जेबीटी के एग्जाम हुए थे, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें सेम रहेंगी, और एग्जाम उसी तरह कंडक्ट किया जाता है, लेकिन वो एसएससी द्वारा किया जाता है। सिलेबस हो गया, एग्जाम हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एसएससी द्वारा जो भी भर्तियां होती हैं इसमें केवल हर साल रिन्यू होते हैं, हटाए नहीं जाते। लगभग 35 से 40 हजार सैलरी होती है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो जो बच्चा, जो साथी जो फिलहाल वर्तमान में 1-2 नंबर से रह गया, तो वो यहाँ बढ़िया तैयारी करके यहाँ वो सिलेक्शन ले सकता है। और आपसे यही कहूँगा कि भाई ये फॉरम जरूर भरना, विशेषकर जेबीटी वाले, ठीक है। तो जेबीटी में अच्छी पोस्ट है, 121 पोस्ट है, और पहले एसएससी द्वारा ही ये भर्तियां होती थी। अब फिलहाल पहली बार ये हुआ है कि जो फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं तो वो चंडीगढ़ विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, और अब एसएससी की भर्ती है। जुलाई में ये नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और आपको रेडी रहना है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। और इसको सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। यदि मैं आपके लिए अच्छी अपडेट बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।